बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज साथियों जो आईएएस के टॉपर्स नोट्स है इनका रिव्यू मैं करने वाला हूँ। इस टॉपर्स नोट्स में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत, उन टॉपिक को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, इनके टॉपिक समझाए गए हैं विस्तार के साथ। इससे पहले साथियों मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इस पुस्तक का या फिर जो टॉपर्स नोट्स है इनका रिव्यू करने से पहले उन विद्यार्थियों के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके जो सिलेबस है उसमें अगर इतिहास शामिल है, इतिहास विषय शामिल है, तो ये है साथियों आधुनिक विश्व का इतिहास। इस पुस्तक का रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। उसके बाद में साथियों ये जो आईएएस के टॉपर्स नोट्स है इनका भी रिव्यू मैं कर चुका हूँ कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल है भारतीय इतिहास के, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, या फिर आधुनिक भारत का इतिहास हो, विश्व का इतिहास हो, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कला एवं संस्कृति दृष्टि आईएएस की एक महत्वपूर्ण पुस्तक, इसका रिव्यू किया जा चुका है साथियों। और दृष्टि आईएएस की एक ये और महत्वपूर्ण पुस्तक भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित एमसीक्यूज दिए गए हैं साथियों। इसके अंदर 2300+ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, उनको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। किरण पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास ये भी पुस्तक है, इसका रिव्यू आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। विश्व का इतिहास साथियों महेश कुमार वर्णवाल एनसीईआरटी सार, इस पुस्तक का रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। ये भी साथियों इतिहास एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल की बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है, इसका रिव्यू भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा, इसका भी रिव्यू किया जा चुका है साथियों, इसका रिव्यू आप देख सकते हो चैनल पर जाकर के। स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास है और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इस पुस्तक का रिव्यू भी देखने के लिए आप प्ले लिस्ट को विजिट करें। राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति परंपरा और विरासत, ये साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका रिव्यू भी किया जा चुका है, वो भी आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख लीजिए। राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ें अगर राजस्थान के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। अब साथियों उसके बाद में स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट, एक बहुत ही प्यारी और विश्वसनीय गाइड है डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की, इसको भी ज़रूर पढ़ें और समय का अच्छे से सदुपयोग करें। अब साथियों मैं आपको इस टॉपर्स नोट्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल किए गए हैं या दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले साथियों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अब तक, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम इस प्रकार के जो वीडियो बना रहे हैं उन वीडियो को बनाने के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और वो मिलती है आप सब से जो इस वक्त वीडियो देख रहे हो। आप अगर वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं और आगे आने वाले समय में इसी प्रकार के और अधिक जो भी पुस्तक से संबंधित जानकारी हो या किसी भी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलती रहेगी। इसलिए साथियों आप हमारे चैनल पर ज़रूर समय समय पर विजिट करते रहिए। अब साथियों इस जो टॉपर्स नोट्स है इसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या टॉपिक हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और आप सबसे पहले साथियों कमेंट बॉक्स में ये बताएं मुझे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब साथियों अगर भारतीय इतिहास से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आपको इतिहास की जो बुक रिव्यू प्लेलिस्ट है 2021 के नाम से, उसको ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर 20 से 30 पुस्तक का रिव्यू किया गया है, वो आप आराम से देख लीजिए। यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास जिसके अंदर साथियों आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और बुद्ध काल, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है साथियों। मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इन टॉपर्स नोट्स की भाषा शैली कैसी है अगर ये भी जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट जरूर करें। मध्यकालीन भारत का इतिहास जिसमें साथियों पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बारे में जानकारी दी गई है। दक्षिण भारत और आधुनिक भारत, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब साथियों इनको आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो कुछ इस प्रकार से
इस टॉपर्स नोट्स में दिया गया है ताकि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के नोट्स का भी आप सदुपयोग कीजिए। जो एनसीईआरटी पुस्तक का रिव्यू मैंने किया है कक्षा 6 से लेकर 12 तक, उसका भी आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जो एडवांस पुस्तक मैंने आपको बताई है, चाहे वो महेश कुमार वर्णवाल की हो या फिर स्पेक्ट्रम या किसी भी प्रकार की पुस्तक, जो भी मैंने आपको रिव्यू के माध्यम से बताई है, उनको आप ज़रूर पढ़िए, ज़रूर नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए। साथियों, आपको एग्ज़ाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब साथियों, चलते चलते आप मुझे ये ज़रूर बता दीजिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो साथियों, अपने दूसरे जितने भी भाई बहन जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिए, यानी शेयर कर दीजिए। अब साथियों, आपको मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं साथियों, वो है ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान, ये पुस्तक, और एक है सामान्य ज्ञान विवा की महत्वपूर्ण पुस्तक एनसीईआरटी रिवीजन के लिए। ये दो गाइड है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब साथियों, जितनी भी गाइड मैंने आपको दिखाई है, कमेंट जरूर कीजिए आपके पास इनमें से कौन सी गाइड है, या फिर इन सभी गाइड में से आपको कौन सी गाइड खरीदनी है, या फिर आपके लिए एक कौन सी गाइड रहेगी जो सबसे बेस्ट होगी आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। बाकी साथियों, ये जो सामान्य अध्ययन मनोहर पांडे की, ये और दिशा पब्लिकेशन की, ये जो 10,000 प्लस महत्वपूर्ण MCQs है, इनके बारे में भी मैं जानकारी दे चुका हूँ, और इनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप किसी भी पुस्तक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, नए उम्मीद, नए जोश, नई आशा की किरण के साथ। तब तक साथियों, आप रिवीजन करते रहिए, इसी प्रकार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।